नमस्कार, सामान्य विज्ञान प्रश्न श्रृंखला में एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न श्रृंखला का पहला प्रश्न है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में बताना है आपको। तो इस प्रश्न का अधिकांश लोग आंसर जानते होंगे, 25 सेंटीमीटर होती है। यानी ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी है ये नेत्र की अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। तो सामान्य जो आँख के लिए होती है, इस आँख का निकट बिंदु कहते हैं। निकट बिंदु की तरह निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर से अगर आप कम दूरी पर रखते हैं तो ये आपकी आँख के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ते समय पुस्तक को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तो रखना ही चाहिए, या फिर उससे अधिक दूरी पर, कितना भी दूरी पर, जहाँ पर, जहाँ तक आप देख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य आँखों के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो रिपीटेड प्रश्न हो गया आपका, प्रश्न का प्रारूप चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार की जो प्रश्न श्रृंखला चल रही है आपके लिए, इसमें वही प्रश्न शामिल किए जाते हैं जो प्रश्न आपके बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आप पहले आ चुके हैं, तो बिल्कुल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कंसंट्रेट होकर देखते चलिए। अगला प्रश्न है, मानव के सामान्य स्वस्थ आँख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो बिल्कुल प्रश्न का प्रारूप चेंज हुआ है, आंसर आपका 25 सेंटीमीटर होगा। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये आपका आयरिस हो गया, ये लेंस हो गया आपका, और ये पूरा पीछे रेटिना हो गया। यहाँ से आपका ये जाता है आपको मस्तिष्क के लिए, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से। दूसरी बात, रेटिना पे आप सभी जानते हैं वस्तु का आभासी छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम अपने मस्तिष्क के द्वारा सीधा और वास्तविक रूप में समझ पाते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी भी आंसर करते चलेंगे। ये जो सिलेरी मांसपेशियाँ होती हैं ये लेंस को एडजस्ट करती हैं, फोकल दूरी को एडजस्ट करती हैं। तो बिल्कुल आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका, लेंस की शक्ति मापी जाती है। बिल्कुल इसको आप याद रखेंगे, डायोप्टर में जो लेंस की शक्ति होती है डायोप्टर में मापी जाती है। और इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है 1/f, और f आपका हमेशा मीटर में होना चाहिए, तभी आप लेंस की शक्ति को डायोप्टर में बोलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जो भी संबंधित तथ्य होंगे मैं आपको बताते चलूँगा, आप उनको नोट डाउन करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया फार्मूला, आपको बताना है फोकस, तो 1/p कर दीजिए, 1/p यानी 2 हो गया, 1/p है, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 मीटर, या इसी को बोल सकते हैं आप 50 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.5 मीटर को, तो आपका हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। जितने भी मित्र ये चैनल पहली बार देख रहे हो, या फिर जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही प्लेलिस्ट में जा करके श्रृंखला की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, सभी श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे में कोई पावर तो होती नहीं है, तो बिल्कुल 0 डायोप्टर आप बोल दीजिए, आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला है आपका, कैमरे का द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा। ठीक है, यानी अधिकतम आपको क्लियरिटी मिलेगी, सबसे अच्छा आपको दृश्य प्रतीत होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका ए। अगला है आपका, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। तो जो आँख का रेटिना होता है ये कैमरे की फिल्म की तरह, ठीक, कैमरे में जो फिल्म होता है ना, जिस पे हम CRT के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पुंज को यहाँ पे प्रक्षेपित करते हैं, तो हमें वस्तु उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो रेटिना भी क्या करती है, अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित कर देता है, जिसे दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं। ये आपका रेटिना होता है, यहाँ से जो दृश्य सिराएं होती हैं मस्तिष्क तक ले जाती हैं, और हमें वस्तु की स्थिति का, वस्तु की लंबाई चौड़ाई रंग आदि का हमें पता चल जाता है। तो आपका हो जाएगा बिल्कुल ए आंसर, बिल्कुल आप सब कंसंट्रेट होकर देखते चलिए।
कोई भी आपको सजेशन, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर, उसको बोलते हैं दृष्टिपटल या फिर उसी को बोलते हैं रेटिना, जो कि फोटोग्राफिक कैमरे की फिल्म से बिल्कुल मिलता जुलता होता है। प्रकाश जो होती है सबसे पहले आपका कार्निया और नेत्र द्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पे पड़ती है, उसके बाद आपका रेटिना या फिर दृष्टिपटल पे फोकस हो जाती है, जहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है छोटा छोटा बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन जो मस्तिष्क होता है उसको सीधा और वास्तविक रूप में समझ लेता है। कभी भी आप जान लीजिए कि जो आँख का ऑपरेशन होता है या फिर जो नई आँख लगाई जाती है उसमें सदैव कार्निया का प्रत्यारोपण होता है, पूरी आँख का नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो अभी भी बिल्कुल डिस्कस कर लिया हमने कि दृष्टिपटल रेटिना में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है। एक बात आप और जान लीजिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब होता है रेटिना से पहले ही फोकस हो जाता है, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे फोकस होता है, इसीलिए हम दूर दृष्टि दोष में उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आप चीज़ें बिल्कुल जानते रहिए, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। ये सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बिल्कुल आप ध्यान से सुनते चलिए कंसंट्रेट होकर के। तो पिछले प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर हो गया था रेटिना डी। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य की आँखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती हैं? तो बिल्कुल आपका प्रश्न थोड़ा सा प्रारूप चेंज हुआ है, आंसर आपका अभी भी रेटिना है। अगला प्रश्न है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह? तो बिल्कुल आप सभी राइट आंसर बताएंगे, तो जिसे वह परावर्तित करता है, अगर अवशोषित कर लेगा तो हमें उस रंग की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। तो जब तक वो रंग उस वस्तु से परावर्तित नहीं होता है, क्योंकि वही जब कलर उस वस्तु से परावर्तित होगा, सपोज करिए यह वस्तु हरे कलर की दिखाई दे रही है हमें, तो इसमें होता क्या है दृश्य प्रकाश इस पर पड़ेगी, तो हरे रंग को छोड़ करके शेष सभी प्रकाश किरणें इसके अंदर अवशोषित हो जाती हैं, केवल हरा रंग आपका परावर्तित होता है, और वह हरा रंग जब हमारे दृष्टिपटल यानी रेटिना पर पड़ता है तो हमें वस्तु हरे रंग की दिखाई पड़ती है। बिल्कुल आप क्लियर करते चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, तो मित्रों जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, मैं बार बार कहता हूँ, इसमें क्या है कि जैसे भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा मैं, तो आप बिल्कुल वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, कोई वीडियो आपका मिस नहीं होगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ये आपकी आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है कि एक रंगीन टेलीविज़न में तीन आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, वे रंग कौन कौन से हैं? सीधे सीधे पूछ रहा है कि जो तीन आधारभूत रंग होते हैं आपको वो बताना है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, लाल हरा नीला। तो रंगीन टेलीविज़न में प्रयुक्त होने वाला कैथोड किरण नलिका या फिर CRT जो होता है, ठीक है, में तीन विभिन्न फास्फर का प्रयोग करते हैं या फिर रंग का प्रयोग करते हैं, लाल हरा और नीला। इन्हीं तीनों रंगों के संयोजन से बाकी के रंग बनाए जाते हैं, ठीक है, इन तीनों को मिला देंगे तो कौन सा कलर बनता है ये आपको बताना है कमेंट करके, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।